आप देख रहे हैं आपका अपना टीवी चैनल आरजे रमझाझर, जज्बात के रंग भरोसा के संग। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। लोरमी क्षेत्र में शासकीय उचित मूल्य की दुकान संचालक के द्वारा मृत व्यक्तियों के नाम से शासकीय राशन का आहरण कर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। शिकायत पर एसडीएम ने क्या कहा, देखिए रिपोर्ट। खबर है मुंगेली जिला के लोरमी क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत कोसमतारा का, जहां पर ग्राम के ही एक उपसरपंच और रानी दुर्गावती स्वसहायता समूह से मिली जानकारी के अनुसार शासकीय उचित मूल्य दुकान का संचालन कोसमतारा में संजय चंद्राकर नाम का व्यक्ति करता है। ज्योति महिला स्वसहायता समूह के माध्यम से शासकीय उचित मूल्य दुकान का संचालन करता है। आपको बता दें कि इसका विक्रेता संजय चंद्राकर है, जिसके द्वारा दो मृत महिलाओं के नाम से राशन निकालकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस गांव की वाली दो महिलाएं, जिनका नाम श्याम कुमार उर्फ छमकाबाई यादव, पति तीरथ यादव, राशन कार्ड नंबर 22-64-72-13-62 के नाम से चावल आहरित करता है, और इस महिला की मृत्यु 16/6/2020 को हो चुकी है। आपको बता दें कि संजय चंद्राकर के द्वारा ऐसा एक ही व्यक्ति के साथ नहीं किया गया, बल्कि दूसरी महिला जिसकी मृत्यु 10/12/2019 को हो चुकी है, फूलबाई पति बटूर, जिसका राशन कार्ड नंबर 22-64-78-41-86-46 है, उसके भी नाम से लगातार अनाज का आहरण कर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। आपको बता दें कि इसी प्रकार के लगातार आरोप संजय चंद्राकर के ऊपर लगते आ रहे हैं। इस दौरान दूसरे व्यक्ति जैसे पुनीता उम्र 18 वर्ष, चंद्रशेखर उम्र 27 वर्ष और पूर्वी जो कि 0 वर्ष की है, इनके भी नाम से सदस्यों में जुड़वा कर लगातार चावल का आहरण किया जा रहा है। जो एसडीएम कार्यालय में शिकायत गया है, हमारे गांव में दो मृतक व्यक्ति है, उनके नाम से चावल आहरण हो रहा है। एक तो है पहले लगभग साल से पहले ज्यादा हो गए हैं, 10 दिसंबर के खत्म हुए हैं और 10 दिसंबर से चावल नहीं मिला थे, 10 दिसंबर 2019। पुनीता मुरवाई है, मगर पुनीता वो मन नहीं हो, सिर्फ उखरे माता राम के नाम है वो राशन कार्ड में। वहीं फूलबाई के बेटे छोटे लाल कश्यप का भी कहना है कि मुझे जानकारी नहीं है कि मेरे माता के नाम पर चावल कौन आहरण कर रहा है। आपको बता दें कि इस प्रकार के लगातार ग्राम पंचायत कोसमतारा के शासकीय उचित मूल्य के संचालक संजय चंद्राकर के द्वारा लगातार भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है, जिसके विषय में ग्राम के ही उपसरपंच एवं रानी दुर्गावती स्वसहायता समूह के द्वारा मीडिया को जानकारी दी गई, और इसके साथ ही लोरमी अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन के माध्यम से इस भ्रष्टाचार से अवगत कराया गया, जिस पर लोरमी अनुविभागीय अधिकारी ने ज्ञापन को स्वीकार करते हुए जल्द से जल्द कार्रवाई करने की बात कही है। जो शिकायत करता है, जो वास्तविक में वहाँ मृत व्यक्ति का नाम जुड़वाया गया है और समूह के द्वारा जो भी समूह चलाया जा रहा है वो बहुत गलत किया है, और जो भी शिकायत करता है वो अच्छा किया है। अपने अधिकार के लिए, जनता अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है, इसमें कोई तोहमत वाली बात नहीं है। लोरमी से हरजीत भास्कर की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।